जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन पर यूएन की रिपोर्ट बनाने में एक पाकिस्तानी धर्म गुरु की भूमिका थी, कनाडा के जफर बंगशे ने कबूला। कनाडा में पाकिस्तानी मूल के इमाम जफर बंगश का दावा, वो यूएन के मानवाधिकार उच्चायुक्त जैद हुसैन के संपर्क में था। पिछले महीने यूएन ने जारी की थी कश्मीर पर भारत विरोधी रिपोर्ट, विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज किया था। पाकिस्तान में सिख समुदाय के साथ फिर अत्याचार, पाकिस्तान के पहले सिख पुलिस अफसर से पुलिस ने ही मारपीट की, घर से निकाला। सिख पुलिस अफसर गुलाब सिंह से लाहौर में उनके घर में पुलिस ने मारपीट की, पगड़ी खोलकर फेंकी। पुलिस अफसर गुलाब सिंह को अपने ही विभाग के लोगों ने घर से निकाला। गुलाब सिंह ने कहा था वो इस घर में 1947 से रह रहे थे। गुलाब सिंह का आरोप, मारपीट के पीछे एक सरकारी अफसर तारिक वजीर और पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पूर्व प्रधान तारा सिंह है। राहुल गांधी आज मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं कि राहुल मुस्लिम समाज के नुमाइंदों से मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला, कश्मीर और 2019 के लोकसभा चुनाव पर मुसलमानों की राय जानेंगे। राहुल और मुस्लिम बुद्धिजीवियों की मुलाकात पर बीजेपी ने कहा कांग्रेस वोट के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करती है।